किसान वीरो, इस बारी खेतीबाड़ी करन दा अंदाज तरीका झोने की फसल जिन्हां ने लाउणी हैगी है बिजाई करनी है बिल्कुल बदल जाएगा जी पंजाब दे विच। उसके की कारण हैं? कारण सब तो बड़ा ये है कि मजदूर लेबर कामे जिहड़े हैगे आ उह इत्थों दी पंजाब दे विच उहदी छड के करोना की वजह करके चले गए हैगे आ, जा रहे हैगे आ, वध तों वध जा रहे हैगे आ। लेकिन खेतीबाड़ी जिहड़े कर रहे वीर तुसीं घबराउणा नहीं हैगा, बड़ा कुछ आ रहा, महकमा बहुत ही कुछ कर रहा हैगा इहदे वास्ते। शायद ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ। आओ आप डॉक्टर साहब के नाल गल करते हैं, थोड़ा मिलाना है जी डॉक्टर साहब के नाल जी। सर थोड़ा शुभ नाम की है जी? संदीप कुमार जी। अच्छा जी, तुम इतने खेतीबाड़ी अफसर डेरा बसी जी? हाँ जी। हाँ जी, तो सर इतने आने वाले समय के हूँ कुछ दिन बाद ही जीरी झोने की रुपाई शुरू हो जाएगी जी इतने, है ना? तो एक दो तीन इतने जिहड़ियां बहुत वड्डियां समस्यावां आ रही हैं। एक तो लेबर की बहुत वड्डी समस्या इतने आनी शुरू हो जाएगी जिस तरह लग रहा है सर, ये बारे सर दसो इतने की इंतजाम महकमे ने किए है जी ये बारे? आप जनचेत मीटिंग इस वास्ते ही रखी है भी एक तो जोड़ा अपने BSR मशीन है वो किसानों को लिस्ट तो किसानों तो नवी एप्लीकेशन ले रहे हैं तो जड़िया सोसाइटी के अंडर या ग्रुप के अंडर है उन्होंने नंबर लैके उन्होंने भी उत्साहित किया जाएगा भी जड़ी मशीन है उन्होंने वध तो वध यूज किया जाए। दूसरा ये है कि अपने शीड के वास्ते क्योंकि शीड लगभग आप लेबर मिली नहीं तो लेबर ना मिलने कारण ये लगभग दुगना बीज पेगा क्योंकि 4 किलो दे नाल रुपाई होंगी है जी पनीरी की तो ये 8 तो 9-10 किलो भी पै सकता है। इस करके बीज की कमी ना आए तो बीज जमींदारां नूं किसान हित विच भी कोई वध रेट ना लावे तो जो बीज का मुल है उसका प्रॉफिट जिन्ना क सारे जिन्ना क बनता लैंदा उन्ना क लिया जाए वध ना लिया जाए तो किसानों भी असी अपील करांगे भी वह भी एक बीज के पिछे ना लगन वह भी जिवें मन लो उन्होंने लगता है भी एक 129 बीज है मैं वही बीजना है इस तरह ना करे सारे बीज ही PR 121, 124, 126 सारे ही चंगे है 128, 129 कोई बहुत ज़्यादा चंगे नहीं है ठीक है लेटेस्ट है अगे आप अगले साल बहुत मिल जाएंगे। इस करके किसानों भी असी जा के सोशल गैप रख के उन्होंने दस रहे है सारा डेरा बसी का स्टाफ तो उन्होंने ये भी दस रहा है भी तुसी एक बीज के पीछे ना लगो तो सारा स्टाफ तनदेही काम कर रहा है तो इस करके अचनचेत मीटिंग रखी। सर ये जी डायरेक्ट मशीन के नाल हैगी है रुपाई आप कह सकते पहला बहुत ही घट कुछ 2-4-5% ही इतने होंगी सी जी पंजाब दे विच जे आप गल करिए है ना ये एकदम नवा ही सिस्टम हैगा सर ये है ना नहीं जी इन चले नू बहुत साल हो गए हाँ जी 10 साल बिल्कुल बिल्कुल जी चल रहे हैं पर वो ये एक ये किसानों नू दसांगे भी ये बिल्कुल रेतली जमीन च नहीं होंगी तो बाकी सारी जमीन च हो जाती है तो इस साल सानू मुख खेतीबाड़ी अफसर साहब की VC हुई सी तो उस दसा गया सी भी ये जिले से बहुत घट सी तकरीबन 525 हेक्टेयर ही सी ऐतकी आप 9500-9610 हज़ार हेक्टेयर करांगे अभी तो आराम नाल हो जाएगा टारगेट क्योंकि लोग भी सानू बहुत फोन आ रहे हैं लोगों को बहुत मशीन है तो कोई दिक्कत नहीं आऊगी। सर ये फायदे की है जी आप गल करिए कि आप पहला मजदूरों तो लेबर तो कामिया तो असी ये इस दी जीरी दी फसल दे वास्ते खेतों जो काम करते सीगे तो इस बारी ये DSR जी मशीन आई हैगी जी है ना तो इसका की बेनीफिट की है फायदा की हो सकता है ये सब तो वध फायदा तो यह है जी यदा भी लेबर ना मिलन कारण ये रस्ता बिल्कुल सही है। दूसरा ये है भी जेड़ा आपा खर्चा इस तो घट होंदा है तो ईल्ड तो ज़्यादा होंदी है जी तो ये भी फायदा है। तीसरा पानी की बचत है
पानी की बहुत ज़्यादा बचत है। तो यह सारा असी किसानों का ग्रुप बना के ते सारे मतलब स्टाफ है जोड़े डेराबसी के भेज रहे हैं उन्होंने भी ये मतलब 21 दिन तो बाद पानी लगना है बीजन तो बाद ते वीड्स भी इस बड़े बढ़िया कंट्रोल हो जाएंगे। तो सारी वो बड़ा एक यूनिवर्सिटी का भी लिटरेचर आया हुआ है वो व्हाट्सएप ग्रुपां भेज रहे हैं जाके संदेशा भी दे रहे हैं सोशल गैप रख के ते सारा वो दस रहे हैं यदा फायदा है जी यदा नुकसान कोई नहीं है। तो सर आप जे होर एक गल करिए कि इस तो इलावा किसानों जिस तरह हरियाणा सरकार प्रोत्साहित कर रही है सर हाँ कि दूसरिया हटके फसल लगाओ जिस तरह मक्की की गल हो रही है उत्थे या उसके उपर सबसिडी भी दे रहे हैं जी हाँ जी है ना। तो अपने पंजाब दे विच भी कुछ इस तरह का है जी कोई जी जी ड्राइवर सर जिवें हरियाणा सरकार काफ़ी प्रोत्साहित कर रही हैगी जी अपने किसानों कि तुसी जीरी झोने की फसल तो हटके तुसी मक्की लगाओ तो होर दालों की खेती करो तो उपर सबसिडी भी दी जा रही है जी तो पंजाब दे विच भी इस तरह है जी कुछ जी हाँ जी हाँ असी मतलब जिले विच मूंगी का भी तकरीबन 250-300 रुपए फ्री दिते हैं जी अद्धा अद्धा किलो दे अच्छा जी कितने अपने जिले दे विच इत्थे जिले च या डेराबसी हल्के डेराबसी च भी है जी 100 दे करीब दिते ते करीब 100 दे करीब ही आपां जिहड़ा NSC दा सीड है ओह मुल भी दिता है जी ते ओह भी मूंगी दा सीड दिता है हुणे अपने कोल 1-2 दिन च जंतर दा सीड आ जूगा हरी खाद वास्ते ओह भी अपने कोल लगभग 35 रुपए किलो के हिसाब नाल सबसिडी से है जी वैसे 55 रुपए है वो आजूगा तो वोदिया किटा भी किसानों लिस्ट बन गई है तो बाकी जो मतलब किसान आ रहे उन्होंने देवांगे। तो ये मक्की का भी बीज जड़ा सारी शॉप्स से इन्हों को फर्मा को आ गया है तो मक्की लोग लगभग झोने के बराबरी बीज रहे हैं तो मक्की का फायदा भी है पानी की भी बचत है तो मक्की की फसल पिछले सालों तो रकबा बद भी रहा है तो महकमे का डायरेक्टर साहब का चीफ साहब का भी पूरा तो सरकार पूरी जोर ला रही है भी मक्की भी बीजी जाए इस करके मक्की का एरिया भी जरूर इस साल बधेगा। सर आप जो गल करिए कि जी DSR मशीन हैगी है वो हायर करके किराए के उपर ही किसान लैके अपना काम करवाएंगे जी है ना। तो ये जो खरीदनी चाहता जी कोई भी मशीन इसमें तो वो वास्ते भी कोई सबसिडी हैगी है जी हाँ जी मैं पहला तुम दसिया असी एप्लीकेशन लै रहे हैं सानू तकरीबन 20-25 एप्लीकेशन आ गई तो डेराबसी ब्लाक दियाँ तो ये होर 10 तरीक तक लैनी है तो ये होर 1-2 दिन से आ जानी है साडा दफ्तर शनि एतवार खुला है तो असी ये स्टाफ लै रहे हैं तो असी मंडे नूं भेज देंगे तो सबसिडी जल्दी इन्हां दी आजूगी। बाकी किराए तो लगभग इत्थे नहीं है लोगों को मशीन पहला अगाह वधू किसान तो प्रोडक्शन कमेटी के मैंबर है स्तावगढ़ दीदार सिंह जी होर इन्हां कोल मशीन पहला ही है तो ये किराया नहीं लेंदे जी ये आस पड़ोस च पिंड च दे देंगे तो जे कोई किराए की भी कोई हो तो उहदा भी किराए के सिस्टम बने हुए है रेट बने हुए उस हिसाब नाल कोई हो जूगी। पर वैसे किसान एक दूजे की मंगते या आपकी नवी लैके तो आपका 2-3 किसान लैके कर लेंगे तो ये कम सुचारू रूप नाल चलूगा जी बिजाई का ठीक है जी सर बहुत बहुत धन्यवाद जी थैंक यू वेरी मच थैंक यू।